बहुत महंगी साइकिलें हैं। ये देखें, ये 1,29,800 yen की साइकिल लगी हुई है। इसकी पाकिस्तानी प्राइस तकरीबन 2,60,000 बन रही है। और मज़े की बात यह है कि जापान में जो साइकिलें होती हैं इनका चेसी नंबर होता है और बकायदा ये रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट से। तो रिजवान भाई से पूछते हैं नगोया के बारे में। ये काफ़ी देर से इधर रह रहे हैं, इनको 7 साल हो गए हैं नगोया में। तो ये इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा आपका नगोया में रहते हुए, आपने इसको किस तरह का पाया। नगोया बहुत अच्छी सिटी है जनाब। नगोया में बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, पोर्ट नज़दीक है। जापान के पूरे जापान में इतनी ऑप्शन कहीं नहीं है जितनी नगोया मेन में है। ये देख लें, ये जापानी लोग हैं, ये इस तरह के होते हैं जापानी लोग। ये देख, जापानी हैं ये बेचारे, काम कर कर के इनकी हालत बुरी हो गई है। और हम माए वाले कपड़े पहन के, टू पीस पहन के हम ऐसे सूटेड बूटेड हुए होते हैं जैसे हमसे बड़ा नवाबी कोई नहीं। लेकिन ये देखें, दुनिया पे राज करने वाली कौमें इनकी देख लें, सिंपलिसिटी देख लें इनकी। ये देखें, अभी ये गाड़ी को पार करते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी मैं और रिजवान भाई जा रहे हैं नगोया को एक्सप्लोर करने। नगोया जो है आपको पता है बहुत ही फेमस है और इंडस्ट्रियल सिटी है जापान का, और टोयोटा और इसके अलावा काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इसकी जो बॉर्न हुए हैं यहाँ से। तो रिजवान भाई से पूछते हैं नगोया के बारे में। ये काफ़ी देर से इधर रह रहे हैं, इनको 7 साल हो गए हैं नगोया में। तो ये इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा आपका नगोया में रहते हुए, आपने इसको किस तरह का पाया। नगोया बहुत अच्छी सिटी है जनाब। नगोया में बिजनेस बहुत अच्छा है, ऑप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, पोर्ट नज़दीक है। जापान के पूरे जापान में इतनी ऑप्शन कहीं नहीं है जितनी नगोया मेन में है। यहाँ USS, उसके अलावा TA, CA, JU ऑप्शन, RI ऑप्शन, सारी तकरीबन ऑप्शन इधर है। मतलब कि सोमवार से लेके आप सैटरडे तक फारग नहीं हो सकते, डेली ऑप्शन होती हैं। और उसके अलावा घूमने फिरने के लिए मेन यहाँ स्काई है, नगोया स्टेशन है, उसके अलावा वो नगोया टेंपल है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ बिजनेस के अलावा इतना ज़्यादा घूमा नहीं, बिजनेस के रिलेटेड ही घूमता रहता हूँ। उसके अलावा इतना टाइम नहीं होता जापान में कि कहीं और जगह जाके एक्सप्लोर करें। ये भाई आए हैं आजकल, ज़रा फिर टाइम निकाल के इनके साथ ज़रा घूमते हैं। ऐसे सिर्फ यही है, गाड़ी लें, गाड़ी बेचें, और कोई नहीं काम इधर। थैंक यू, अभी इतना ही बता सकता हूँ आपको। चलें जी, शुक्रिया आपका। तो गाइस, आपने सुना है इधर जो है ना टाइम मनी है जापान में। जो है ना, अगर कोई आपको टाइम दे रहा है तो समझे वो अपना सब कुछ दे रहा है आपको। इधर टाइम की बहुत जो है वैल्यू है, जैसा कि कोरिया में भी सेम ही है। आपको पता है मैं कोरिया में होता हूँ, तो मैं आया था तो इन्होंने काफ़ी टाइम दिया है मुझे, इनका शुक्रिया। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कराया है। तो आज मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि यार थोड़ा सा जो है सिटी सेंटर में चलते हैं, और नगोया सिटी सेंटर का थोड़ा सा मज़ीद। उस दिन हम रात को आए थे तो बारिश हो गई थी, तो काफ़ी वगैरह पी के फिर वापस चले गए थे एक्चुअली। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाला है रिजवान भाई ने, तो उम्मीद है कि आज कुछ मज़ीद आपको दिखा सकूँगा, क्योंकि मैंने फिर बुध को वापस जाना है। तो असल में जो जापान है, मैं जो अभी तक मेरा मुशाहदा किया है, जो मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है, जापान को आप कह लें कि ये मुर्दों का कब्रिस्तान है। ये कहने में तो मजाक खेज बात लग रही होगी आपको, लेकिन ये हकीकत है। और मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ काफ़ी, मैंने यूट्यूब में तो अभी चौथी मेरी सीरीज़ चल रही है वीडियो में कंट्री, लेकिन एक्चुअली मैं ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी मैं इससे पहले भी कर चुका हूँ। तो जापान जो है मुझे बहुत बोरिंग लगा है एक्चुअली। मैं इसको भी कह रहा था यार मैं बोर हो रहा हूँ इधर ना, क्योंकि आप बाहर भी निकलें तो लोग आपको नज़र नहीं आएंगे, अनलाइक कोरिया। कोरिया में आप बाहर निकलते हैं तो आपको लोग ही लोग नज़र आते हैं एनी टाइम। वजह मेरे ख्याल से ये है कि एक तो कोरियन लोग ज़रा घूमने फिरने के शौकीन हैं, और घरों में नहीं बैठते वो ना। सिर्फ कोविड के टाइम में मैंने देखा कि लोग घरों में कंजस्ट हो गए थे, लेकिन जापान में जो है समझे कोविड ही है अभी भी मेरी नज़र में ना, ये लोग बाहर नहीं ज़्यादा घूमते। और इवन के आज संडे है तो आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग बहुत कम तादाद में। तो अभी हम आते वक्त यही डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा यार कोई हल्ला गुल्ला वाली जगह बताओ, तो ये मजाक में कह रहे थे कि चलो चलते हैं फिर कोई नाइट क्लब वगैरह की साइड पे ना।
तो थ्रू आउट ये है कि ये बहुत ही पुरसकून कंट्री है, और अगर आपने अपनी लाइफ में क्या कहते हैं उसको, जो आपकी रिटायरमेंट डेज हैं वो अगर आप इधर आके स्पेंड करें तो ये बहुत ही अच्छा कंट्री है उन लोगों के लिए। तो अगर आप हल्ला गुल्ला चाहते हैं तो फिर आप फिलिपीन हो गया, और इस तरह जो है कोरिया भी मच बेटर है, क्योंकि उधर भी काफ़ी एक्साइटमेंट होती है हर वक्त, ख़ासतौर पर वीकेंड में। उसके अलावा हांगकॉन्ग या फिलिपीन हो गया, बैंकॉक वगैरह आपको पता ही है। बहरहाल जापान बहुत अच्छा कंट्री है, और आपको पता दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी भी है, तो उसके उसी तरह महंगा भी है ये काफ़ी। तो इधर आके फिर आपको सरवाइव करने के लिए आपके वो जो है अर्निंग वेज भी होने चाहिए इधर रहने के लिए, क्योंकि बहुत महंगा है एक्चुअली। तो अभी माशाल्लाह रिजवान भाई का अच्छा काम है, इनका गाड़ियों का ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे। तो जो लोग गाड़ियों से रिलेटेड हैं वो माशाल्लाह ठीक हैं, अभी फ़िलहाल तो वैसे भी क्राइसिस चल रहे हैं गाड़ियों में भी, लेकिन जॉब्स की जो कंडीशन है जॉब्स में और इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं मेरे ख्याल से, और जॉब्स में सेविंग जो है कम है, कोरिया से कम पैसे हैं इधर जॉब में एक्चुअली। ये स्काई चिका का एरिया आ गया है फिर दोबारा, और अभी इधर गाड़ी को पार्क करते हैं और फिर थोड़ा सा वॉकिंग टूर करते हैं सिटी सेंटर का। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ के मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, गाड़ियाँ देख लें जापान में इस तरह की गाड़ियाँ। और ये देखें ये जैपनीज लोग बहुत ही डिसिप्लिनड लोग हैं ये, और मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूँ, तो सेम ही लग रहे हैं मुझे तो। तो आपको पाकिस्तान में जो देख रहे हैं या इंडिया से जो देखेंगे उनको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। और ये जो है नगोया का मेन जो स्टेशन है ना एरिया वो है, देखें हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं इधर। ये देख लें ये जापानी लोग हैं, ये इस तरह के होते हैं जापानी लोग। मैंने काम कर करके इनकी हालत बुरी हुई है, और हम माए वाले कपड़े पहन के टू पीस पहन के हम ऐसे सूटेड बूटेड हुए होते हैं जैसे हमसे बड़ा नवाब ही कोई नहीं। लेकिन ये देखें दुनिया पे राज करने वाली कौमें इनकी देख लें, सिंपलिसिटी देख लें इनकी। तो आपको हर इस तरह के देखे, सर्दी में इन्होंने कपड़े नहीं पहनते ये लोग, तो ये कोरिया में भी ऐसा ही है, जैसे जैसे सर्दी आती है कपड़े छोटे होने शुरू हो जाते हैं इनके। नगोया का जो वेदर लगा है मुझे तकरीबन पाकिस्तान का वेदर सेम है, थोड़ा सा कह लें सर्दी होगी इधर, पाकिस्तान में थोड़ी कम सर्दी पड़ती है लेकिन इधर थोड़ी सी 3-4 डिग्री ज़्यादा है। तो बहरहाल ठीक है इसका वेदर, हमें तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि हम कोरिया में रहते हैं और उधर बहुत ठंड पड़ती है। वो कौन सी जगह रिजवान भाई, जो उधर नहीं टोक्यो टावर? अच्छा कॉपी की है, कॉपी की एग्जांपल। हाँ टोक्यो में टावर बनाया हुआ है एक्चुअली इन्होंने, जैसे वो फ्रांस का एफिल टावर है ना उस तरह का इधर बनाया हुआ। मैं टोक्यो में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, हम इकट्ठे गए थे। तो ये जो है इधर उन्होंने इसकी कॉपी बनाई है और इसको भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया है। और ये देखें ये एरिया जो है स्काई का, ये बस स्टॉप का एरिया है। तो स्काई इधर बहुत मशहूर एरिया, सिटी सेंटर में आता है ये एरिया, और इस इधर रात को और ज़्यादा रश हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कम है लेकिन रश होगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं होता जैसे कोरिया में या दूसरे कंट्रीज़ में हो, बस रीज़नेबल रश होता है एक्चुअली। ये देख लें जापानी गाड़ियाँ, ये सियांटा और ये लैंड क्रूज़र है, ये न्यू मॉडल है लैंड क्रूज़र का एक्चुअली। तो ये देखें इनकी गाड़ियाँ, जापान की वैसे ही बहुत मशहूर हैं आपको पता है। और इधर आपको जापान में आके तो हर रंग की गाड़ी आप इधर देख सकते हैं, और ये गाड़ियों की आपको पता है बोन करता है गाड़ियों को जापान, जैसे औरतें बच्चे बनाती हैं ये जापान गाड़ियाँ बनाता है। तो आपको इधर हर तरह की गाड़ी मिलेगी, तो मैंने खुद आके काफ़ी न्यू मॉडल्स देखे हैं, तो देखने में बहुत ही पुरकशिश लगती हैं ये गाड़ियाँ।
और ये खिलौनों की तरह बनाई हुई उन्होंने गाड़ियाँ, ऐसे लगता है जैसे ये खिलौने हैं, इतनी नफासत के साथ बनाई हैं। और इन गाड़ियों में ज़्यादातर हाइब्रिड गाड़ियाँ आजकल इधर चल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पेट्रोल की भी आपको पता है कमी हो रही है दुनिया में। तो गाइस ठीक है, अब गाड़ी को पार्क करते हैं। तो गाइस अभी हम इधर आ गए थे मेन नगोया सिटी सेंटर में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हाई राइज बिल्डिंग्स का एरिया है। ये देखें, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, तो लेकिन इतना ज़्यादा रश फिर भी नहीं है इधर सिटी सेंटर में आके भी, मेन सिटी के सेंटर में है इस वक्त हम। ये देखें इस तरह की बिल्डिंग्स है इधर, नगोया का मेन सिटी सेंटर का एरिया है। ये रिजवान भाई, और वो जो सामने आपको नजर आ रहा है वो डेची फुजी होटल। ये इधर सारा होटल्स और रेस्टोरेंट्स का एरिया है एक्चुअली, जैसा कि आप देख रहे हैं। और वो जो सामने है वो कोरियन रेस्टोरेंट है, काफी बड़ा होटल बना हुआ है रेस्टोरेंट। ये वियतनाम के मिले हैं भाई, वो कह रहे हैं हमारी वीडियो बना दें। वियतनाम गाइस, ये देखें ये है कोरियन रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है इस नगोया सिटी में। और ये मेन सिटी सेंटर है नगोया सिटी में, और इस साइड पे जो है शिंकानसिन का जो सबसे तेज़ ट्रेन है जापान में, वो बिल्कुल अपोजिट में शिंकानसिन का स्टेशन है। यहाँ से आप टोक्यो और ओसाका इस तरह के जो हर जगह पे जाने के लिए ट्रेन मिल जाती है। तो ये देखें ये इसका जो शिंकानसिन है, और देखें गाइस अभी शिंकानसिन गुजर रही है, ये बहुत मशहूर है जापान में शिंकानसिन। जापान सबसे फास्ट ट्रेन है ये जापान की। और इस तरफ आपको जो है ये जो मार्केट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की हर किस्म की आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जैपनीज में लिखा हुआ है इस बिल्डिंग का नाम, हाँ, और इसको इंग्लिश में इस बिल्डिंग का नाम बिग कैमरा है, बिग कैमरा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओपनिंग 10 AM और क्लोजिंग 9 PM है। आइए इसको अंदर से व्यू करते हैं इसका। ये देखें इधर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है ये मार्केट। इधर आपको हर तरह की आईफोन की घड़ियाँ, सैमसंग, इनके अपने ब्रांड हैं गार्मिन, तो जापानी ब्रांड लग रहा है। ये गोल्ड की रिंग है, ये देखें ये गोल्ड की रिंग, इधर गोल्ड सिल्वर हर तरह की आपको इधर रिंग मिल जाएंगी। और ये काफ़ी फन पड़ी एक्सपेंसिव लग रही है इधर, इसकी जो प्राइस है सिल्वर की 48,800,
जापानी येन है और ब्लैक की भी सेम है और स्ट्रिप्ट की जो है 62,800 गोल्ड की जो है 70,000 ये देखें इस तरह के इधर ये भी गार्मिन की है जापानी गार्मिन जापानी ये देखें इस तरह का व्यू है इधर ये स्टेप्स वगैरह मिल रहे हैं पिक्सल वॉच और ये गूगल पिक्सल 8 प्रो का फोन है इधर सेल हो रहा है ये गूगल ने बनाया पिक्सल 8 प्रो ये पिक्सल 7a तो गूगल भी फोन वगैरह बनाने लग पड़ा है अब ये आईपैड वगैरह पड़े हुए हैं इधर अभी चलते हैं वो एस्केलेटर के साथ ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये देखने जापानी लोग खड़े हैं इधर आप टीवी वगैरह देख सकते हैं सोनी के टीवी सेल हो रहे हैं इधर नगोया मेन सिटी सेंटर में बिग मैक बिग कैमरा बिल्डिंग इसके 7 से 8 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में बिग कैमरा में तो ये बड़ी ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और इधर आपको दुनिया की हर किस्म का इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड आइटम मिल जाएगी और टैक्स भी इधर फ्री है जो फॉरेनर्स आते हैं उनको ड्यूटी फ्री मिल जाता है ना रिफंड कर देते हैं ये देखेंगे जापान नगोया सिटी में ये देखें टेक्नोलॉजी का बादशाह जापान लेदर का सेक्शन है टीवी मोबाइल घड़ियां हर चीज लेदर इसके 7 फ्लोर हैं गाइस और ये हर फ्लोर में आपको डिफरेंट आइटम मिलेंगी हर फ्लोर में डिफरेंट किस्म की चीजें हैं आपको जो भी चाहिए यहां से मिल सकता है इस साइड पे ये 50 इंच का टीवी है हाइसेंस ये जापानी लोकल कंपनियों के ब्रांड है ज्यादातर इधर ये देखें इधर डिश एंटीना वगैरह हर किस्म की चीजें Thank you.
देखें, ये हेडसेट वगैरह इधर, हर किस्म के। बहुत बहुत महंगे हैं ब्रांड ये, 65,450 का, यानी कि पाकिस्तानी कोई 1,30,000 रुपया। सिर्फ इसका हेडसेट ही पाकिस्तानी 1,25,000 से ऊपर है। और ये देखें इसका जो है 32, यानी कि तकरीबन 64,000 का, 65,000 का। हाँ ये डॉक्टर ड्री की, ये 50,000 पाकिस्तानी का मिल रहा है। डॉक्टर ड्री बीट्स बाय डॉक्टर ड्री, ये पाकिस्तानी 50,000 का तकरीबन बन रहा है। और ये 1,00,000 रुपये पाकिस्तानी का तकरीबन। हेडसेट आइए, और ये मिनी में आ जाते हैं। ये 20,000 का पाकिस्तानी तकरीबन। तो इस तरह की ये जो है ना, बहुत सारी आइटम्स हैं इधर। अगर मैं दिखाने में आऊँ तो मेरा पूरा दिन लग जाए। तो ये वायर वगैरह हैं इधर, आपको वायर वगैरह मिल जाएंगी। तो अभी चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में, उधर देखते हैं उधर क्या सेल कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट है ये, बिग कैमरा। इसके 7 फ्लोर हैं गाइस, और ये हर फ्लोर में आपको डिफरेंट आइटम्स मिलेंगी। हर फ्लोर में डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, आपको जो भी चाहिए यहाँ से मिल सकता है। इस साइड पे ये 50 इंच का टीवी है, हाई सेंस। ये जापानी लोकल कंपनियों के ब्रांड हैं ज़्यादातर इधर। देखें इधर डिश एंटीना वगैरह, हर किस्म की चीजें। ये देखें ये हेडसेट वगैरह इधर, हर किस्म के।
बहुत बहुत महंगे हैं ब्रांड, ये 65,450 का, यानी कि पाकिस्तानी कोई 1,30,000 रुपया। सिर्फ इसका हेडसेट ही पाकिस्तानी 1,25,000 से ऊपर है। और ये देखें इसका जो है 32, यानी कि तकरीबन 64,000 का, 65,000 का। हाँ ये डॉक्टर ड्री की, ये 50,000 पाकिस्तानी का मिल रहा है। डॉक्टर ड्री बीट्स बाय डॉक्टर ड्री, ये पाकिस्तानी 50,000 का तकरीबन बन रहा है। और ये 1,00,000 रुपये पाकिस्तानी का तकरीबन। हेडसेट आइए, और ये मिनी में आ जाते हैं। ये 20,000 का पाकिस्तानी तकरीबन। तो इस तरह की ये जो है ना बहुत सारी आइटम्स हैं इधर, अगर मैं दिखाने में आऊँ तो मेरा पूरा दिन लग जाए। तो ये वायर वगैरह हैं इधर, आपको वायर वगैरह मिल जाएंगी। तो अभी चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में, उधर देखते हैं उधर क्या सेल कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट है ये, बिग कैमरा। तो गाइस ये देखें, जापान में साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत महंगी साइकिलें हैं। ये देखें, ये 1,29,800 येन की साइकिल लगी हुई है, इसकी पाकिस्तानी प्राइस तकरीबन 2,60,000 बन रही है। और मज़े की बात यह है कि जापान में जो साइकिलें होती हैं इनका चेसी नंबर होता है और बाकायदा ये रजिस्टर्ड होती हैं गवर्नमेंट से, और बग़ैर रजिस्टर के आप साइकिल नहीं इधर चला सकते। तो साइकिल भी इधर मोटरसाइकिल की तरह रजिस्टर करवानी पड़ती है और उसका एक नंबर मिल जाता है इनको, और फिर आप चला सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक है एक्चुअली, ये देखें इलेक्ट्रिक का वो लगा हुआ है इसके अंदर सिस्टम। तो ये जो है ये 2,56,000 तकरीबन समथिंग की बन रही है पाकिस्तानी। तो बहुत महंगी साइकिलें हैं इधर जापान में। इस तरह से ये देखें, ये तकरीबन 2,00,000 पाकिस्तानी की साइकिल है। तो ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हैं एक्चुअली। ये देखें ये कितनी प्यारी साइकिल है, इसमें जो बच्चे का भी इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें बच्चे को भी बिठा के आप जो है कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं। इसकी प्राइस तकरीबन 3,40,000 समथिंग बन रही है। और ये ऊपर इन्होंने इसका बैटरी का जो बताया हुआ है, इसकी चार्जिंग वगैरह का ना, और इसका जो वेट है वो 31.5 किलोग्राम है। इसकी जो लंबाई है 142 सेंटीमीटर, और 16 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, और ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। तो ये देखें बैटरी बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये देखें 60 किलोमीटर तक जाएगी ये, तो ऑलमोस्ट मोटरसाइकिल कैपेसिटी रखती है ये साइकिल। और इसमें बच्चा वगैरह बैठा के भी आप चला सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी महंगी है। इस तरह से ये देखें, इधर भी ये लगी हुई है, इसमें भी बच्चे को बिठा के तो ट्रैवल कर सकते हैं। ये तकरीबन 3,00,000 पाकिस्तानी की बन रही है, और इसका वेट जो है 34.4 और 142 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और इसकी जो बैटरी है 16 एम्पेयर की है सॉरी, और ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। तो बहुत ज़बरदस्त है, देखें टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं ये लोग। और ये ब्रांड जो है एक्चुअली, ब्रांड का इधर मेंशन नहीं किया हुआ, असल में जापनी लिखी हुई है ना तो फिर पता नहीं चलता कौन सा ब्रांड है इनका।
लेकिन ये ज़्यादातर लोकल ब्रांड ही होते हैं, इनके अपने ब्रांड हैं। और ये देखें गाइस, ये भी इलेक्ट्रिक बाइक है, ये इसका इलेक्ट्रिक का सिस्टम है। और ये देखें, ये बहुत महंगी है, 2,32,000, यानी कि तकरीबन 4.5 लाख की साइकिल ही साइकिल है ये। तो इस तरह से ये देखें, ये तकरीबन तकरीबन 3 लाख की बन रही है। तो साइकिल का इस्तेमाल जापान में बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस भी उसी हिसाब से महंगी है, और बहुत बहुत महंगी जो बाइक है इधर बिकती है। ये देखें, ये भी सिंपल सी है, लेकिन ये भी 2 लाख पाकिस्तानी की बन रही है साइकिल, लेकिन ये फुली इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है। ये देखें इस तरह से ये चलती है। ये स्पोर्ट्स बाइक है, और ये भी तकरीबन 3,20,000 की बन रही है पाकिस्तानी, लेकिन ये बड़ी प्यारी बाइक बनाई हुई है उन्होंने, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तकरीबन। और ये इसकी जो स्पीड है स्पोर्ट्स की, 105 किलोमीटर पर आवर है। इसका वेट कम कर दिया उन्होंने और स्पीड बढ़ा दी है, और इसकी बैटरी की जो पावर है 14 एम्पीयर है। और ये बहुत प्यारी बाइक बनाई हुई है इन्होंने। यानी कि देखें, जापान में जो साइकिल है वो भी 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें ये लोग टेक्नोलॉजी में कितने आ गए हैं पाकिस्तान से और इंडिया से। और इस साइड पे जो है ये बच्चों की बाइसिकल्स हैं, छोटी मिनी, और ये भी तकरीबन 82,000 की बन रही है, 84,000 समथिंग की। ये छोटे बच्चों की ये तकरीबन 13,000, यानी कि पाकिस्तानी 25-26,000 की बन रही है। तो इस तरह से देख लें, हर एज के हिसाब से उन्होंने बाइसिकल्स इधर दी हुई हैं। और ये तकरीबन, ये भी पाकिस्तानी 93,000 रुपये की बाइक है। ये देखेंगे, ये जो है बहुत ही वर्ल्ड क्लास की बाइक बना दी उन्होंने, और ये फुली फोल्डेड है। इसको आप फोल्ड करके अपने साथ ट्रैवल में जहाज़ के अंदर आगे पीछे लेके जा सकते हैं। और इसकी प्राइस देखें, ये पाकिस्तानी कोई 4 लाख रुपए की बाइसिकल है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है उन्होंने। और ये भी फुली इलेक्ट्रिक है और फोल्ड होने वाली है, फोल्डेबल है। और ये इसकी देखें स्ट्रक्चर, इसने बहुत प्यारा बनाया हुआ है, हर चीज़ इन्होंने इसमें प्रोवाइड कर दिया है। और ये भी फोल्डेबल है बाइसिकल, और ये जो इसकी ये जो जगह है यहाँ से ये फोल्ड कर सकते हैं आप इसको, और गाड़ी वगैरह में रख सकते हैं, तो बहुत इजी टू मूव है। और इसकी भी प्राइस तकरीबन वही पाकिस्तानी 1,05,000 समथिंग बन रही है। और ये स्कूटर है जिसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, ये चार्जिंग हो जाते हैं और आप इसको अपने साथ कहीं भी में बैठ के जा सकते, इवन के ट्रेन में भी आप इनको रख सकते हैं और बसों वगैरह में भी इनको लेके जा सकते हैं। तो इसकी भी जो प्राइस है तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया बन रही है, तो नॉट बैड, ये ठीक है तकरीबन, इलेक्ट्रिक है ना ये। इस तरह से ये 1,30,000 की प्राइस है इसकी, और ये थोड़ा सा लंबा है।
तो ये था बाइसिकल्स जापान में जो सेल होती हैं उनकी, आपको थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो मैंने दिखाई है। तो मैं वो साइकिल देख के हैरान हो गया हूँ जिसकी स्पीड 100 से ऊपर है, यानी कि मोटरसाइकिल जितनी स्पीड इन्होंने बना दी है साइकिल में भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है और कितना तरक्की याफ्ता है।